वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद अफान शेख। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं 10-10 पे खड़ा हुआ हूँ और ये 10-10 के ऊपर जो है व्यूवर्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ये 80 गज का वेस्ट ओपन का ये प्लॉट था जिसका फाउंडेशन मुझे बनाना है और इसकी छत मैंने डालनी है। ये पूरा एक स्ट्रक्चर का मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसकी छत के ऊपर जो है व्यूवर्स वो मैंने बाथरूम भी बनाना है, उसके ऊपर एक टैंक बनाना है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एक कॉलम मेरा जो है 10 कॉलम का ये प्रोजेक्ट है व्यूवर्स, 10 कॉलम हमने इसके अंदर निकाले थे अवामी नक्शे के ऊपर स्टैंडर्ड में। और आपके सामने की बात है कि आप देख सकते हैं इस वक्त शटरिंग इसके अंदर लगी है और ये देखिए कितना हम लोगों ने इजाफी तौर पर खोला था ताकि हमारी डबल साइडें चलें और हमारा काम जो है वो अच्छे मेयार से सामने निकल कर आए। 6 इंच की फाउंडेशन है और 5-5 फिट की ये व्यूवर्स जो है ये आप देख सकते हैं भराइयाँ आ रही हैं इसके अंदर। और जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा था मेरी लास्ट वीडियो के अंदर कि मैंने इसके अंदर 3-3, 4-4 फीट के ओवरलैप निकाले, ये आप देख सकते हैं। ये एक जो कॉलम था ये हमारा टैंक के अंदर आएगा व्यूवर्स, ये आप देखें माशाल्लाह से। और ये टैंक हमारा बन रहा है, टैंक के जो साइज है वो हमारा निकल रहा है 6x7 के ऊपर हमारे खाने निकल रहे हैं व्यूवर्स, और कोई तकरीबन यूँ समझ लें कि 350-400 kg सरिया इसके अंदर जा रहा है। इतना सरिया यहाँ पर व्यूवर्स कोई भी ठेकेदार नहीं डालता, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं डालता, अल्लाह के फजल व करम से ये मेरे काम का मेयार है। और मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ जिस रेट के ऊपर, उस रेट के ऊपर मैं मेयार देता हूँ। मैं भी वही रेट लेता हूँ जो रेट के ऊपर दुनिया लेती है, जो रेट पर दुनिया काम करती है। मेरे रेट कोई हाई फाई नहीं है, पर फ़र्क इतना है कि मैं जो लेता हूँ वो मैं लगाता हूँ और दिखाता हूँ, और दूसरे लोग जो लेते हैं वो दिखाते नहीं हैं और ना ही वो लगाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारी लड़ियाँ 3/8 की डी फॉर्म मुगल सरिया है, कितना प्राइम क्वालिटी का ये सरिया है व्यूवर्स। इसके अंदर कई किस्म की इकसाम आती है, कंपनी है 40 ग्रेड का होता है और वो और जो है क्या कहते हैं टोर बार को जो है वो डी फॉर्म किया जाता है, वो भी 40 ग्रेड का सरिया होता है। ये आप देख सकते हैं कि हमारी प्लेंथों का सरिया पड़ा हुआ है और इस प्लेंथों की सरिया के अंदर आप ये देख सकते हैं कितनी प्राइम क्वालिटी, ये सुप्रीम क्वालिटी का ये 12 mm का सरिया और 3/8 का सरिया इस वक्त यहाँ पर हमारा है। और जैसे कि व्यूवर्स आप ये देख सकते हैं टैंक का जो साइज़ है वो हमारा 9x9.5x10 का साइज़ निकल कर आ रहा है और ये बहुत बड़ा स्टैंडर्ड होता है ये टैंक का। और यूँ समझ लें कि 4.5-5 हज़ार गैलन का ये टैंक है व्यूवर्स, बहुत बड़ा टैंक ये बनने जा रहा है। तो इंशाल्लाह ताला व्यूवर्स जैसे ये टैंक बनेगा, इसका जाल बनेगा, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मेरे पास इस वक्त जो है वो ये शकील साहब बैठे हुए हैं, ये मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं शकील भाई? आपको कैसा लगा मेरा काम? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है फन वे का, बिल्कुल इन पे भरोसा करके आप काम दे सकते हैं बिल्कुल इंशाल्लाह इनके। शकील भाई ये बताएं, ये छोड़ें, ये तो लोग तो मुझ पे एतमाद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 3 साल से मैं यहाँ पे रहता हूँ। सबसे बड़ी बात किसी ठेकेदार का यहाँ पर घर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा यहाँ पे घर है। शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे काबिल समझा, कि उसने मुझे अपनी दिल में अपने घर में जगह दी। तो ये तो एक तारीफ वाली तो आप बात ना करें, बात ये करें कि ये सोसाइटी आपको कैसे लगी और काम का मेयार आपको कैसा लगा? काम का मेयार बहुत अच्छा है यहाँ का और अफान भाई का खास तौर पर, और फिर सोसाइटी भी बहुत अच्छी है। लोग जो जो यहाँ आए हैं, जो जो रह रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे का ख्याल कर रहे हैं और आगे पीछे मामला वो भी देख रहे हैं। ये जो सरिया दिख रहा है आपको इतना सारा जी जाता हुआ, ये आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी ये कुछ कहना चाहेंगे आप? जी ये कि माशाल्लाह ये सरिया देख के मैं हैरान हो रहा हूँ कि ये सारा सरिया तो ज़मीन में दफन हो जाएगा, इतने मेयार का ये फन भाई यहाँ लगा रहे हैं सरिया। ये तो आपको ही काम देना चाहिए माशाल्लाह, ये तो सारा दफन हो जाएगा, इससे अच्छा यार और कोई ये नहीं लगा सकते। बस यार शकील भाई अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यार जो अच्छे से अच्छा काम करके दे सकें, क्योंकि अगले से कमिटमेंट किए, पैसा लिया है। असल चीज़ मेन यही है, मैं आपको लिटरली बताऊं कि शकील भाई के यहाँ पर जो है ना घर बनाने के अंदर जो है ना, देखें ऊपर तो मीनाकारी आप कुछ भी कर लें, ऊपर ब्लॉक निकल जाता है, लग जाता है, लेकिन असल चीज़ है नीचे का फाउंडेशन। नीचे के फाउंडेशन के अंदर अगर हल्की सी 19-20 हो गई या कोई मसला हो गया तो उसको ज़िंदगी भर का रोला है। तो ये ज़िंदगी भर के रोले के लिए यार अगले के पैसे को हम हराम नहीं कर सकते, उसके पैसे को नाजायज़ करके हम उसको खर्च नहीं कर सकते। तो इसी वजह से जो है ना भाई, बात यह है कि असल चीज़ है नीचे फाउंडेशन बुनियाद मजबूत है, पांव मजबूत है तो आपकी बुनियाद मजबूत है। अब ऐसा ये फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह व्यूवर्स ये बनने जा रहा है, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाया कि आप यकीन माने कि ऊपर ग्राउंड प्लस 3 ग्राउंड प्लस 4 भी अगर आप बनाना चाहेंगे इंशाल्लाह ताला ये कहीं नहीं हिलने वाला। तो यही सारी चीजें, यही मेयार है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत जबरदस्त जमीन है, सारी जमीन के अंदर रॉक है। आप ये देख सकते हैं कि जैसे रोड़ियां निकली है इसके अंदर, ये सारी जमीन के अंदर रॉक पड़ा हुआ है। तो इसी वजह से व्यूवर्स इसके अंदर काम के अंदर हमें क्वालिटी भी देनी है, जब हम इसके अंदर जान डालते हैं अपने मेयार की मेयार से, तो इसके अंदर और डबल ट्रिपल जान आ जाती है। तो आई होप आप लोगों को व्यूवर्स ये मेरा जो है व्लॉग अच्छा लगा होगा, और मैं मोहम्मद अफान शेख आप लोगों को इसी तरीके से व्लॉग बना बना के दिखाता रहूंगा और आप लोगों के सामने इसी तरीके से अपनी खिदमत का जो है वो करता रहूंगा। जिन साहब ने सेल परचेज के हवाले से मुझसे रब्ता करना है, वो भी मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन वो मुझे अपने प्लॉट्स वगैरह दिखवा सकते हैं, बता सकते हैं, और जिन्होंने कंस्ट्रक्शन करनी है वो भी अपनी कोटेशन वगैरह मुझसे ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जिस तरह का उनका एलिवेशन होगा, डिजाइन होगा, उस तरीके से इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करेंगे और उनको बनाकर देंगे, और जिस तरह का वो मेयार हमारे साथ तय करेंगे उसी मेयार के अंदर इंशाल्लाह ताला उनको उनका घर बनाकर देंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये मेरा छोटा सा व्लॉग इन्फॉर्मेटिव, अवेयरनेस और मोटिवेशन वाला अच्छा लगा होगा। मैं
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद अफान शेख। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त हमने ये टैंक की तराई करी है माशाल्लाह से, और ये आप टैंक देख सकते हैं 10-10 का माशाल्लाह से, और ये फाउंडेशन देख सकते हैं कितना बड़ा टैंक है और कितना बड़ा फाउंडेशन है व्यूअर्स। इतना बड़ा टैंक अमूमन यहाँ पर लोग बनाते नहीं है, और बोल तो वो उसमें कोई ना कोई मसले मसाइल और जो है वो कभी रॉक आ जाता है, कभी जो है वो ज़मीन सख्त होती है, इस वजह से जो है वो मसले मसाइल की वजह से लोग छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं यार, मैक्सिमम साइज़ में जो है लंबाई कर दो, चौड़ाई कर दो, और असूल भी यही होता है और होना चाहिए कि अगर खुदाई के वक्त अगर आप नीचे नहीं जा पा रहे तो आप इसको मैक्सिमम चौड़ाई में ले लें, क्योंकि आपके पास 12 और 13 फीट की जगह यहाँ पर होती है। ये बेसिकली कारपोच एरिया है, और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से टैंक की घराई देखिए हमने कितनी करी है। बहुत बड़ा दियो हेकल टैंक बनाया है 80 गज के अंदर व्यूअर्स, और इतने बड़े टैंक इस पूरे नॉर्थ टाउन के अंदर है नहीं। इक्का दुक्का शायद किसी स्पेशलिस्ट ने बनाया होगा टैंक, तो उसका टैंक ज़रूर होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त ये हमारा सीटू खुलकर आ गया है सामने, और कितना खूबसूरत माशाल्लाह से ये सीटू खुलकर आया है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। ये हमारा जो है ये चार चार सीढ़ियों के स्टेप आ रहे हैं, और दो दो फीट के फासले से ये चार चार फीट के हिसाब से आ रहे हैं, तो 10 फीट की 10.5 फीट की इसकी हाइट निकल कर आई है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स ये इस वक्त टैंक है, और ये टैंक इंशाल्लाह ताला ये प्लस्तर होने जा रहा है, इसकी तराई हमने कर दी है। ये आप देख सकते हैं इस वक्त सीटू देख सकते हैं माशाल्लाह से, ओवरलैप देख सकते हैं, ओवरऑल इसको पूरे जायसे को आप ले सकते हैं व्यूवर्स के, कितना ज़बरदस्त इस वक्त हमने जो है क्या कहते हैं इसका ये सीटू बनाया है। और ये 10 कॉलम का इस वक्त ये फाउंडेशन है, अभी इसके ऊपर प्लेन घूमनी है व्यूवर्स, 2 फीट की प्लेन इसके ऊपर घूमेगी तो फिर आपको पता चलेगा। ये जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त व्यूवर्स, ये मेरा क्या कहते हैं इस वक्त रिंग देखें, मेरा सरिया देखें इस वक्त, और ये आप देख सकते हैं कि कितनी हार्डल यहाँ पर होती है हमें और हुई है हमें काम करने के दौरान, और 6 इंची के 7 इंची के इसके अंदर ओवरलैप निकालें जो इसकी छत के साथ मुड़ जाएंगे। तो व्यूवर्स ये इस वक्त 4000 गैलन का टैंक है, बहुत बड़ा टैंक है जो इस वक्त हमने बनाया है व्यूवर्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये मेरी लेबर इस वक्त यहाँ को पहचान लें, और जहाँ कहीं भी नजर आए आपको बस पकड़ के इसको दिहाड़ी दे दें। जिस दिन इसकी दिहाड़ी नहीं लगती उस दिन इसका दिमाग शॉर्ट होता है, और जिस दिन दिहाड़ी लगती है उस दिन ये खुश रहता है। तो व्यूवर्स ये है इस वक्त मेरा 10-10, और इसका C2 मैंने कहा आपको दिखाऊं, 4 फीट की इसके अंदर, 5 फीट की इसके अंदर, पीछे की तरफ 5 फीट की, और फ्रंट की तरफ 4 फीट की, साइडों में 4 फीट की, और फ्रंट जो है वो 3 फीट की इस वक्त जो है ये आप देख सकते हैं भराई आई है। तो माशाल्लाह से ये मेरा नवा प्रोजेक्ट है व्यूअर्स, और बस 10 लगने के लिए आप लोगों का साथ चाहिए। 10 जिस वक्त लग गया तो इंशाल्लाह ताला 00 के फिगर के अंदर मैं आ जाऊँगा, और मुझे फिगर बनाने का भी शौक़ नहीं है, ये तो बस एक तरह से समझ लें फॉर्मेलिटी है, ताकि आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट के अंदर आसानी हो, मेरे काम को मेरे काम को एनालिस्ट करने के लिए आपके लिए आसानी हो, ये सिर्फ उसके लिए मैं ये करता हूँ। तो बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर व्यूवर्स, यहाँ पर आप लोग काम करें, यहाँ पर आपने घर बनाए, जल्द से जल्द इन्फ्लेशन से बचें। एक फाउंडेशन जो इस क्वांटिटी का आ रहा है ये इस वक्त इसकी कॉस्ट जो है वो 8 लाख रुपए के करीब इस वक्त आ रही है। ये मैंने एक टेंटेटिव अमाउंट आप लोगों को यूँ बताया कि जो भी इस तरह का मेयार का काम करना चाहता है वो अपना जहन बना ले कि कम अज़ कम 8 लाख रुपए का ये फाउंडेशन इस तरह बनेगा, जबकि मेरा इसमें 8 लाख का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जब इंशाल्लाह आप लोग आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, तब मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इसमें क्या कॉस्ट आई थी और क्या मामला था और इसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशन थी। तो बस ये काम मेरा फाइनल है, इसकी बैकफिलिंग होने जा रही है। बस ये टैंक हमारी कल शटरिंग खुली थी टैंक की, तो हमने आज इसकी तराई करी है, आज इसके कुछ लवाजमात हैं, हमने इसके अंदर आज पाइप लगाए हैं, और इंशाल्लाह ताला इसका प्लस्तर होने जा रहा है। जैसे इसका प्लस्तर होकर आएगा तो एक छोटा सा व्लॉग बनाकर वो भी कंटेंट में अपलोड करके आप लोगों को दिखाऊंगा और अपने काम को मेयार करूंगा। तो व्यूअर्स जैसा कि आप लोगों को मालूम है रमज़ानों में मेरे पाँव में अंगूठे में चोट लग गई थी और कुछ व्लॉग जो है वो मेरे रह गए थे और वो व्लॉग मैं नहीं बना पा रहा था, तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से अल्लाह पाक ने मुझे आप लोगों की दुआओं से खड़ा कर दिया है, और इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि अब GFS बिल्डर एंड डेवलपर की जो सोसाइटी है ये नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ 1, इसके जितने मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं और जितनी यहाँ पर डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन यहाँ पर तेज़ हो चुकी है वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को जो है वो दिखाऊँ, ताकि आप लोगों के अंदर और मोटिवेशन हो और आप लोगों को और अवेयरनेस मिले कि घर बनाना है तो किस तरह बनाना है और कितना।